हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शिरफ यासमीन। वेलकम बैक टू माय चैनल, देखते रहो एंड वेलकम बैक टू माय किचन। जी हाँ, रेसिपीज आप लोगों को अच्छी लग रही है, मुझे पता है। मेरी रेसिपीज बड़ी झटपट होती हैं, क्विक होती हैं, बहुत इजीली बन जाती हैं और खाने में भी बड़ी अच्छी होती है। तो आज एक और यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है छिड़का। अब आप कहेंगे ये छिड़का क्या है, बहुत आसानी के साथ बन जाएगा। चलिए हम टाइम ज़ाया नहीं करते हैं और छिड़के की रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। ज़रूर अपने घर में बनाइएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी, छिड़का बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये पालक चाहिए, जो कि हमने नॉर्मल साइज में काट लिया है। कोई ऐसी मेजरमेंट नहीं थी, बस बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। ये मैंने छिड़के के लिए पालक को कट किया, आपको मैंने दिखा दिया। इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया, इसमें कोई चीज़ नहीं मिलाई और मिलानी भी नहीं है, ठीक है। इसको एक तरफ रखें। अब हम लेंगे बेसन। बेसन मैंने थोड़ा सा लिया है बहुत, क्योंकि मैं बना भी थोड़ा सा रही हूँ। इसमें आप नमक ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, जैसा आपके घर में खाया जाता है। उसके बाद इसमें ये थोड़ा सा साबुत जीरा हम ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। और देन इसमें एक मेन चीज़ हमारी है खाने का सोडा, एक पिंच, क्योंकि बहुत थोड़ा सा है तो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। देन ये ऑप्शनल है, इट्स अ फूड कलर, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहते हैं आप स्किप कर दें। इसको डालते क्यों हैं, इसको डालते इसलिए कि फिर हमें फ्राई करने में बहुत टाइम नहीं लगता, हम जल्दी फ्राई कर लेते हैं, इसका कलर चेंज हो जाता है। चलिए जी, इसकी मैंने मिक्सिंग कर ली। अब इसको मैं थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका पेस्ट बनाऊंगी, ठीक है। बहुत सारा पानी इकट्ठे मत डाल दीजिएगा, क्योंकि कम को तो आप ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा पानी डाल के बढ़ा सकते हैं। बहुत पतला हो गया तो बहुत फिर मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। चलिए जी, अच्छा ये चमचे से बिल्कुल नहीं बनेगा, ये मैं फिर सिर्फ वीडियो के लिए इसको फिलहाल मैं स्पून से मिक्स कर रही हूँ, वरना मैं प्रेफर करती हूँ कि आप अपने हाथों से इसको मिक्स करें। एक अच्छा सा पेस्ट मैंने बना लिया है, अभी ये पेस्ट थिक है, हमें इसे और थिन करना है। बस थोड़ा सा पानी मैंने और डाला है इसमें। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा दूं, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, ये फ्लोई होना चाहिए, ठीक है। अगर ये फ्लोई नहीं है तो छिड़के अच्छे नहीं बनेंगे, गाढ़ा इसका बिल्कुल भी थिक बैटर नहीं बनाया जाता है। चलिए जी, ये हो गया। अब मुझे हाथों का इस्तेमाल करना है इस पर, तो मैं सबसे पहले अपने हाथों को अच्छे तरीके से वॉश कर लूँ। ये पालक इसमें डालूंगी और इसको मिक्स करूँगी, ठीक है। ये देखें, सारी कभी भी इकट्ठे मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा और मिक्स करके चेक कीजिएगा। मैं बहुत आसानी के साथ फोल्ड हो गए, मैं इसको क्लोज करके आपको लुक दिखा दूँ। ये देखें, ठीक है, पालक की अपनी ग्रीनरी नज़र आ रही है और साथ साथ कहीं कहीं जो बेसन है वो भी लगा हुआ नज़र आ रहा है। चलें इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। तेल बहुत अच्छी तरीके से गर्म और ये हाई फ्लेम पे कुक होगा। अब इसको डालने का तरीका देख लें, पहले मैं एक डाल के चेक कर लूँ अगर ये ऊपर आ जाए। जी हाँ, ये अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है हाई फ्लेम पर। अब हमें इसे इस तरह से डालना है। आप देख रहे हैं मैं छिड़क छिड़क के डाल रहा हूँ और बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, अगर आपने बहुत ज़्यादा भर दिया तो ये आपस में चिपक जाएंगे। जब तक इसकी बेस नहीं बनेगी आप इसको टर्न नहीं कीजिएगा, बेस बने बगैर अगर आपने टर्न कर दिया तो ये खराब हो जाएगा। आंच मैंने फुल कर दिया। चलो जी, अब मैं इसको हल्का सा टर्न कर रही हूँ। अच्छा, एक टिप मैं आपको दे दूँ कि जब भी आप कोई भी पकोड़े तलेंगे, बेस बने बगैर अगर आपने इसको उलट दिया तो फिर इसमें होता ये है कि ये सॉगी हो जाते हैं। लोग कहते हैं ना कि हमारे पकोड़े क्रिस्पी क्यों नहीं रहते, उसकी वजह ये होती है कि आप उसको बेस बने बगैर ही उलट देते हैं। हाई फ्लेम पर ये पक रहा है, बहुत तेज़ी से कुक होता है, सेकेंड्स में बनता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता। चलेगी, ये ऑलमोस्ट हो गया। अब मैं आपको इसके लुक दिखा दूं। आवाज आई?
सेकेंड बैच के लिए अब हम दोबारा से और हाथों को जरा बचा के छींटे ना लगे। अच्छा, मैं कोशिश ये कर रही हूँ तीन बैच में ये हो जाए, मैं दो बैचेस में इसको जल्दी जल्दी करके खत्म नहीं करना चाह रही। अब हम वेट करेंगे इसकी बेस बनने की। आंच आप देख रहे हैं मैंने फुल की है। बस अब इसकी बेस बन जाए जब, तो इसको आप हल्का सा इस तरह से मूव कर दें। टिश्यू मैं इसलिए रखती हूँ ताकि ज्यादा ऑयल जो है वो इसमें ना आए। ये देखें, आवाज सुन रहे? ये देखें, ये इतने क्रिस्पी होते हैं। चले जी, हम इसे डिश आउट करते हैं। क्लोज करके मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है छिड़का, जरूर इसको ट्राई कीजिएगा। अच्छा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें एक चीज रह गई है और मैं भूल गई, मैं जरा उसका भी छिड़काव कर दूं। ये है चाट मसाला, इसको ज़रूर ऊपर से स्प्रिंकल कीजिएगा, इसका जायका बहुत अच्छा हो जाता है। चलिए जी, ये है इसकी फाइनल लुक रेसिपी। तो ये थी आज की रेसिपी, आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। छिड़के की रेसिपी, इसको घर में ज़रूर तैयार कीजिए और अपने दस्तरखान को, खास तौर पर अपने रमज़ान के दस्तरखान को खूबसूरत बनाइए, जायकेदार बनाइए। इसके साथ ही शिकफा यास्मीन को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। और हाँ, देखते रहो कि देखना ज़रूरी है। कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो अच्छी लगी, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, जो टिप्स आपको बताई हैं उनको जहन में रखते हुए इस छिड़के को ट्राई कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।